करा है। फिलहाल मेरे साइड में रणधीर सिंह पांचाल है, समाज सेवी है। इन्हें आज जैसा प्रोग्राम कराया मेरे चैनल पर हमने देखा भी होगा, अलग ही प्रोग्राम था। और इनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने अपना कोई काम नहीं कटवाना, मैंने समाज सेवा करनी है। यानी इनका अलग ही चीज लगी हमने, वो इनते भी पूछेंगे और आज के प्रोग्राम ने लेकर पूछेंगे। राम राम जी। पहले राम राम जी सबको, आपका पहले सबसे पहले यहाँ पे आने का धन्यवाद और स्वागत है आपका। अच्छा जी, आपने तो अलग ही अंदाज में बयां कर दिया, प्रोग्राम भी और पूरा नू चल रहे थे, क्या कहना चाहोगे? अलग ही रहता है मेरा मैडम, और हम जो है ना कोई भी काम करते हैं ना दिल से करते हैं और टारगेट लेके करते हैं। अच्छा, क्या टारगेट है आपका? टारगेट मेरा यही है, अभी जो मैंने सीखा है, जो मेरी उम्र में मैंने बिजनेस सीखा है, और इसके लिए मैंने अनेकों कोचों से ट्रेनिंग भी ली है भाई। अब मेरे सारे काम निमट के घर वाले, अब मैं ये चाहता हूँ भाई, अब मैं अपने जैसा कम से कम कुछ लोगों को बनाई जाए। तो बीजेपी ही क्यों चुनी पार्टी, तो भी बता रही थी बीजेपी, इसकी नीति अच्छी है जी। अच्छा। यहाँ पे ईमानदारी से काम होता है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा हमारे को ये लगा भाई यहाँ पे काम होंगे। भविष्य में आगे के लागे जी के करना चाहो आप, मतलब आपकी दिली इच्छा घन खरे तो पार्टियां में जाना चाहो है, अगर भैया आगे टिकट मिल जाएगी आपका भी है क्या कुछ टिकट? मैं कभी किसी पार्टी में जाऊंगा जी, और ना मैं टिकट लेऊंगा, ना मैंने एमपी बनना, ना मैंने एमएलए बनना, ना मैंने राजनीति करनी। मैं तो बिजनेस मैन हूँ, बिजनेस कोच हूँ और बिजनेस सिखाऊंगा। और मेरा टारगेट है भाई, मैं अपने हिसाब से ट्रेनिंग करके सरकार से मदद लेके भाई हरियाणा में कम से कम मैं 2 लाख करोड़पति तो बना ही दूंगा। कोचिंग कहाँ से दे रहे हो कोचिंग? ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, अब वर्ल्ड के नंबर 1 ग्यारह उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं, उससे ट्रेनिंग ली। आपकी लाइफ का संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचे? लाइफ कुछ नहीं, मैं तो डंगर चगाऊ आदमी था। किस यहाँ तक कैसे पहुँचे? बस मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करी, उसी का फल आया। हाँ, मैं बना के छोड़ूंगा मेरा। अब ये सरकार से क्या हेल्प चाहिए? सरकार से सारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग दे दूंगा, सिखा दूंगा, मदद, कोई लोन, कोई सब्सिडी, कोई टैक्स में, कोई उसके लिए उनके फैक्ट्री के लाइसेंस में, तो उसमें तो सरकार की मदद चाहिए। बिल्कुल करूँगा जी, अभी तो शुरू हुआ हूँ सही काम के लिए, तो अभी शुरू हुआ। हाँ, अभी तो मैं गृहस्थी में फंसा हुआ था, उससे पेंट मेरा छूट गया। तो मुख्यमंत्री जी ने तो पूरा आश्वासन दिया है। हाँ, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, समझते हैं बात को, और जो ना सरकार आज के कार्यक्रम में भीड़ की सुनती हो रही थी सर, भीड़ सुनने के लिए आए अपने नेता को, बढ़िया नेता है। क्या स्थिति है करनाल में? करनाल में एक तरफा माहौल, दोनों सीटें निकालेंगे। लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में धन्यवाद करता हूँ सभी का, जिन्होंने अपना टाइम दिया, यहाँ पे आए, हमारी बात को सुना जी, और हमारा साथ दिया। तो वोट की अपील करेंगे? बिल्कुल करूँगा सरकार के लिए, बिल्कुल वोट की अपील। हाँ जी रीना जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आपके पापा ने कसूता डूडा ठा दिया आज? तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा गया है, और मैं तो हमेशा से ही मतलब इंस्पायर रही हूँ अपने फादर से, और इन्होंने हमेशा जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। और आज मैं इस प्रोग्राम को लेके जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सबका यहाँ पे पहुँचने पर। परिवार में तो किसी का आगे चुनाव में जान का है कि चाहे इतना कर रखा? नहीं, फिलहाल तो नहीं। देखो, हम तो समाज सेवी है, हम तो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, कि हमें जो भी हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो भी हमें मौका मिलेगा, हम उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी पार्टी ही क्यों चुनी पार्टी, तो और भी बतेरी थी जी। देखो, जीत की तरफ नेता वो होता है जो प्रगति की तरफ जा रहा है, और मेरा ये मानना है कि हर किसी को भी जो एक प्रगति की तरफ जो नेता है, अपने देश को जो आगे बढ़ा रहा है, जो एक आप लोगों के सामने इतनी अच्छी नीतियां उन्होंने, इतने अच्छे काम जो पेश किए हैं, तो हर किसी का ये कर्तव्य बनता है कि उनके साथ आप लोग भी आगे बढ़ें। मैडम, पता चला है कहीं ना कहीं आप जो है बच्चों को UPSC की जो कोचिंग है वो भी कहीं ना कहीं फ्री देते हैं, आखिर क्या कुछ है ये, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी सर, मेरी जेस्ट IAS एकेडमी है करनाल में, बिहाइंड बस स्टैंड, और जो बच्चे मैं एक टेस्ट कंडक्ट कराती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये बच्चा आगे बढ़ने लायक है और ये एक कैपेबल है एग्ज़ाम के लिए, और वो फाइनेंशली स्टेबल नहीं है, तो मैं उसको फ्री हेल्प करती हूँ आगे बढ़ने के लिए। ये संस्कार कहाँ से मिले आपको बेसिकली? सर, ये बेसिकली मेरे मदर और फादर, और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने
फादर को देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। लोगों को क्या अपील करना चाहोगे अपने जो स्टडी इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से? मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बच्चे एजुकेशन के क्षेत्र में, जो एक मैं कई बार ये सुनती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में कुछ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पे सब कुछ है। मैं मेरा एक लक्ष्य है कि मैं करनाल के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहती हूँ, एक एग्ज़ाम को लेके या एक शिक्षा को लेके, जो मैं दिल्ली के माहौल को मतलब यहाँ बनाना चाहती हूँ, कि मैं एक एक बच्चे को जो एजुकेशन की तरफ बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, और मैं डेफिनेटली ये जरूर करके दिखाऊंगी। आपके पिताजी ने आज बोला कि 2 लाख लोगों को करोड़पति बनाएंगे, रास्ता कठिन नहीं लगता? कठिन तो हर कोई रास्ता है, कठिन कोई रास्ता नहीं होता, है ना। आप अगर चलोगे तो आपके धीरे धीरे आपका रास्ता छोटा होता जाएगा। क्या कुछ आज आश्वासन दिया गया है सीएम जी के द्वारा? सॉरी, क्या आश्वासन आज दिया गया है सीएम जी, आज पहुंचे थे कार्यक्रम में? आश्वासन सीएम जी के आने पे बहुत प्रसन्नता है, हमें खुश होके गए हैं और सीएम हमसे, और बहुत जो हमने इस समारोह के बारे में सोचा था, इनफैक्ट उनसे बढ़ के हमने पाया है। मैडम, जो एकेडमी आपने खोल रखी है, कहाँ से आइडिया आया था कि लोगों को इस प्रकार से एजुकेशन देनी चाहिए? एजुकेशन ये कि मैं खुद सबसे पहले मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में आई, मेरे दिमाग से एकदम से ऐसे मैसेज स्टक हुआ कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए। देन मैंने अपनी प्रिपरेशन की, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ, मैं मात्र कुछ नंबर से जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बाद मैं थोड़े ब्रेक के बाद, तो मैं जब इंटरव्यू देने के लिए पहुंची तो मैंने वहां पे एक चीज़ को फील किया कि मैंने वहां पे अपने करनाल से, अपने शहर से मैंने किसी स्टूडेंट को वहां पे नहीं देखा। तो मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि क्यों नहीं, जब हर कोई स्टूडेंट वहाँ पे एक इंटरव्यू के लाइन में खड़ा हुआ है तो करनाल से क्यों नहीं। तो मैं अपने करनाल के बच्चों को स्पेशली इंस्पायर करना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आइए, और ये एग्ज़ाम कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग हर कोई इसको क्वालिफाई कर सकता है, प्लस आपको सिर्फ इस पे थोड़ी सी मेहनत देने की ज़रूरत है। किन किन का साथ रहा है इसमें? आपके पति भी हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्या कुछ मदद करते हैं? सर देखो, मेरी फादर ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मेरे हस्बैंड है, उनका चुनाव भी मेरे फादर के द्वारा ही किया गया है, और इनका जो मेरे सपोर्ट रहा है वो दुगना तिगना रहा है मेरे लिए। मतलब बेस्ट जो हस्बैंड का जो मैं एक देना चाहूँगी, आगे जो अगर मैं किसी डेजिग्नेशन पे पहुँचती हूँ, अगर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हूँ, तो मैं अपने फादर और अपने हस्बैंड को सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ। जी रविंद्र जी, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुड़िया ने जो बात बताई है, कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ एक समाज सेवी तो आप हो, बिजनेस कोच भी हो, तो क्या कुछ कहेंगे इस प्रकार के संस्कार बच्चों को भी दिए गए हैं? सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया का यहाँ पे आने और प्रोग्राम को ऐसे हैंडल करने का लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम मेरे हिसाब से जो है ना, जैसे मेरे को टाइम कम मिला, मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं 10 दिन मांग रहा था, तो 10 दिन मेरे को ना देके मेरे को टालते रहे, पता नहीं क्या वजह रही बीच में, मेरे को सिर्फ 26 घंटे का टाइम मिला है। और मेरे जो मन में था, जो मैं करना चाहता था, दिखाना चाहता था, वो मतलब ये आप इतना बड़ा प्रोग्राम हो पीछे भी सुना देखो, अगर थोड़ा टाइम और मिलता तो क्या इससे डबल प्रोग्राम होता? सर इससे डबल प्रोग्राम होता और जनता अपने प्रिय नेता के विचार। आज सरेआम कह दिया है कि आप आगे बढ़ो, जैसा आपका सपना है करोड़ों युवाओं ने करोड़पति बनाने का, यही उम्मीद थी मैंने सीएम साहब से। कभी इनसे मैं मिला नहीं, मैंने इनका देखो, मैंने इनको देख के, इनका इनके फेस देख के एक बार में मैंने ये समझ लिया था भाई, ये जो अपने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे को जरूर सपोर्ट करेंगे। क्या सोच का प्रोग्राम करवाया था? क्या सोच के प्रोग्राम करवाया? यही सोच के बिजनेस भाई, मैं जो है ना लोगों की हेल्प कर सकूं, और उसमें सरकार की मदद देखो जरूर चाहिए, चाहे मैं कितना भी मैं सिखा दूं, कितना भी बता दूं, गवर्नमेंट की मदद के बगैर मतलब कुछ संभव नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब आप? मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सबसे अहम रोल आपका भी रहा है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आप बड़े मेहनती हो इस फील्ड में, आप हर चीज़ को ग्राउंड लेवल से कवर करते हो,
तो आज का प्रोग्राम होया है कैसा, सफल रहा आपकी नज़र में या और अच्छा उसका था? नहीं देखो क्या है, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अच्छा बुरा ना सोच करके बस उस काम में लग जाते हैं, वो सब ऊपर वाले का खेल है। हमने बस मेहनत करी और सबसे बड़ा श्रेय जो हमारे लीडर थे, जो मेरे फादर इनला है, वो मेरे फादर की तरह है, फादर से भी बढ़कर ही हैं, उन्होंने बड़ा हमें लीड किया, उन्हें बड़ी इजली इस प्रोग्राम को हमारे सफल बनाने में बड़ी हेल्प करी। धन्यवाद जी। फिलहाल देखो इन्होंने अपनी राय दी है तो हम कमेंट में अपनी राय दे दियो, वीडियो ने कर दियो ज्यादा तो ज्यादा शेयर। मैं फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।